शुरू में दे हैड अ फ्यू स्केयर्स, दे लॉस्ट थ्री क्विक विकेट्स, बट व्हाट एन इनिंग्स बाय ट्रेविस हेड। यार ट्रेविस हेड जब बैटिंग करने आया, उसने जब पहली ओवर में उसका इतना तक गेंद स्विंग हो रहा था और कैच भी एक निकला स्लिप से, उसने चौका एक मारा ऑन दिया उसको एक्स्ट्रा कवर में, और वो चौका मार के उसने तब कहा इंडियन टीम को आज नहीं आज नहीं, गल सुन आज नहीं, ठीक है। I mean, 137, 120 deliveries, 15 fours and 4 sixes. He played 6 games in this World Cup and won 3 man of the matches. Imagine. और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप जो फाइनल था टेस्ट का, उसमें भी इसने 160 किया हुआ है। सो उस पर सही इन्वेस्ट किया, उसका सही वेट किया है नशे भी। सही वेट किया है और देखें वसीम भाई आउट भी होते रहे, ही वाज प्लेइंग हिज गेम। इसीलिए ना दे नोन टू प्ले फेयरलेस क्रिकेट, और फेयरलेस क्रिकेट ही आपको जो है वो फेयरलेस क्रिकेट आपका एनवायरनमेंट भी आपको सिखाती है, आपका कल्चर भी आपको सिखाती है। इस पार्ट ऑफ द टीम कल्चर की भी बात कर रहा हूँ, जनरल भी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं वसीम भाई, लेकिन अगर आपका कल्चर आपको नहीं सिखा रहा ना तो आप खुद सीख लो। या स्पेशली जिस कल्चर से हम लोग आते हैं ना, तो हमें स्टेप अहेड रहना चाहिए। हमारे कल्चर अगर कुछ अचीव करना है आजकल की लाइफ में ना, तो आपको स्टेप अहेड रहना है बाकियों से। ये नहीं देखना कि साइड पे आपके क्या चल रहा है, आप जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, हाउ टू इम्प्रूव इन योर ओन गेम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रेविस हेड की इनिंग्स ऐसी थी, कोई भी दुनिया का बैटर होता वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा होता, 3 आउट हो जाते 51 पे, वो कहता 240 चेस कर रहे हैं, लेट्स ट्राई टू प्ले होल 50 ओवर्स, पहुंच जाएंगे। उसने कहा नहीं भाई, मुझे ये गेम खेलनी आती है, मैं ऐसे ही करूंगा। और बैक करें, जो आपको अंदर जब अंडर प्रेशर आप हो तो आप बैक करें अपने आप को, जो आपको आता है जस्ट डू इट, एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं रहता। अगर वो आउट भी हो जाता, उससे ये नहीं होना था कि यार मैंने जो है वो नहीं है। इंडिया की बैटिंग के साथ यही हुआ है, इट वाज सो सैड दैट ही कुडंट हिट द विनिंग शॉट। आई मीन यू नो दो रन पहले आउट हो गए, वो जस्ट इन अ वे, बट एज अ प्लेयर आई डोंट थिंक सो विल मैटर टू हिम। नो इट वुडंट, ही प्लेड द पर्सनालिटी, ही प्लेड द विनिंग इनिंग, ही प्लेड द विनिंग इनिंग, गुस्सा किया, सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच, सेमीफाइनल का मैन ऑफ द मैच, फाइनल का मैन ऑफ द मैच आफ्टर अरविंदर डिसिल्वा, मेरे ख्याल में इतने अरसे के बाद एक परफॉर्मेंस आई है। और वो जो हम बात कर रहे थे ना कि दो बंदों पे डिपेंड कर रहे थे मेनली, दो बंदों पे, वार्नर पे और ट्रेविस हेड पे। और जो मलिक ने बात की फियरलेस का, मतलब ये नहीं कि बस जाओ तो पाई जाओ, नहीं, अपना रोल